नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की विशेष रिपोर्ट। नौकरी पाने के लिए दिन रात जद्दोजहद करने के बाद और दूसरे जनपदों में चक्कर लगाकर परीक्षा पास करने वालों से स्वास्थ्य विभाग धड़ल्ले से अवैध वसूली कर रहा है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनने के एवज में विभागीय अधिकारी हर भर्ती से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की वसूली किए जाने से नाराज छात्रों ने सीएमओ कार्यालय पर हंगामा काटा और प्रदर्शन किया। बेरोजगारी की मार से जूझ रहे युवा नौकरी पाने के लिए दिन रात भागदौड़ मेहनत कर रहे हैं। नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए दूसरे जनपदों में रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी तरह प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी को प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय में जाकर कागजों का सत्यापन कराना होता है। इसी क्रम में अभ्यर्थी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अगर वैसे देखी जाए तो सरल है। इसके लिए मात्र 32 रुपए 75 पैसे फीस निर्धारित है, लेकिन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने की एवज में छात्रों से 100 से 500 रुपए तक की वसूली किए जाने से नाराज छात्रों ने सीएमओ कार्यालय में हंगामा काटा और प्रदर्शन किया। छात्रों ने हो रही झमाझम बारिश में कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उनके आवेदन को जमा करा लिया जाता है, फिर थर्ड पार्टी से 100 रुपए वसूलने के बाद ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। वही भाजपा के महामंत्री का आरोप है कि इससे पहले भी लिखित शिकायत की गई तो सीएम ने संबंधित को जरूर हटाया, लेकिन फिर वसूली शुरू हो गई। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आईएन तिवारी का कहना है कि वे तहसील दिवस से लौटकर वापस आ रहे तो देखा कि कार्यालय के बाहर भीड़ है। पूछा तो पता चला कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए छात्र शिकायत कर हंगामा कर रहे हैं। जानकारी के बाद संबंधित को तत्काल निर्देश दिया गया है कि बच्चों को लाइन में खड़ा कर टोकन बांट कर उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जाए। इसी बीच 7 संघ के लोग पहुंचे और अपना विरोध शुरू कर दिए। पिछले वर्ष भी इसी तरह का मामला सामने आया था तो कार्रवाई की गई। अगर शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जैसे हमारे पार्टी के ही जिला के मंत्री अश्विनी मिश्रा और हमारे संघ के कार्यकर्ता हैं विपिन सिंह, ये लोग आए थे प्रमाण पत्र स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के, जिससे 100 रुपए मांगा गया। तो इन लोगों ने पूछा कि पैसा कैसा है, फिर इन लोगों ने हम लोगों को फोन किया, हम लोग आके इनसे पूछा कि पैसा कैसा ले रहे हैं। और आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने पहले से ये वसूली हो रही है। इनको 3 बार एप्लीकेशन दे दिया गया है और ये क्या करते हैं सीएमओ साहब, किसी को हटा करके दूसरे को नियुक्त कर देते हैं और फिर उनसे वसूली करवाना चालू कर देते हैं। और आज जो बना रहे थे, हमको यहाँ पता चला कि यहाँ के कर्मचारी तक नहीं है वो, और वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना रहे हैं, ये बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह दिया? हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है और हमें कहीं से सूचना मिली है कि ये स्वास्थ्य मंत्री का नाम बता करके धमकी भी देते हैं कि आप भाजपा के हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग से कहते हैं कि भाजपा के, चलो बाहर निकलो, जो होगा देख लेंगे, मंत्री से बात कर लेंगे। इस तरह की उनकी भाषा है। सीएमओ साहब ने कहा, क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो, सीएमओ साहब के ऊपर भी उचित कार्रवाई हो, जिसने गलत किया उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। अच्छा, 6 महीने पहले जो वीडियो बना था उसका भी वीडियो हमारे पास है, आज का भी वीडियो है, 100 रुपए और प्रमाण क्या लेना है, सब बच्चे हैं, पूछ सकते हैं आप। मैं अभी तहसील दिवस में था, तहसील दिवस जैसे मैं यहाँ आया मैंने बच्चों की भीड़ काफी देखी। तत्काल ही मैंने पता किया कि आखिर ये भीड़ कैसी है, तो पता चला मेडिकल सर्टिफिकेट के मायने में सब लोग बच्चे इकट्ठे होकर के शिकायत कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तत्काल ही मैंने जो भी संबंधित एडिशनल सीमो थे, जो प्रमाण पत्र बना रहे थे और जो कर्मचारी थे, उनसे मैंने वार्ता करके तुरंत उनको बोला कि तुरंत बच्चों को लाइन में टोकन बांट करके उनका काम तत्काल कराइए और जो भी फीस हो केवल उतना ही फीस लेगा, कोई अन्य एक्स्ट्रा फीस नहीं लेगा। इसका निर्देश देने के बाद फिर काफ़ी 2-4 छात्र संघ के अध्यक्ष या और लोगों ने आकर के अपना रोष व्यक्त करना शुरू किया। ये प्रकरण पिछले साल भी ऐसे ही उठा था। इस शिकायत पर मैंने विनोद मिश्रा क्लर्क थे उनको, उनका यहाँ से स्थानांतरण कर दिया था। वर्तमान इस शिकायत में भी अगर कोई दोषी पाया जाता तो मैं तत्काल उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करूँगा। ऐसे मामले लगातार जिला अस्पताल में आते रहे हैं, तो ऐसे दलालों से बचने के लिए आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे? इस बारे में अक्सर दिशा निर्देश स्पष्ट सबको दिया जाता है कि किसी भी तरह से किसी को जन असुविधा न होने पाए और किसी तरह की ऐसी धन उगाही हम अपने स्तर से कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे इसकी सूचना मिलती है मैं तत्काल उसके लिए कार्रवाई करता हूँ। Thank you.
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।